क्रिकेट के पिच पर नजर आ रहे राजू, रंचो और फरहान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन ये फिल्म थ्री इडियट्स का कोई सीन नहीं है। दरअसल 14 साल बाद थ्री इडियट्स की तिकड़ी एक साथ नजर आई है। थ्री इडियट्स की तिकड़ी यानी आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, वो भी अपने थ्री इडियट्स वाले स्टाइल में। वीडियो में एक्टर्स रंचो और फरहान स्टाइल में एक्टर शर्मन जोशी का मजाक बना रहे हैं, लेकिन वर्षों बाद थ्री इडियट्स के स्टार कास्ट का अपने अनोखे अंदाज में कैमरे पर आना कई इशारे कर रहा है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या थ्री इडियट का सीक्वल बन रहा है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वीडियो की कहानी क्या है, क्यों ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो इस वीडियो को एक्टर शर्मन जोशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। थ्री इडियट फेम एक्टर शर्मन जोशी गुजराती फिल्म से कमबैक कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्ग्रेचुलेशन। शर्मन जोशी फिलहाल अपनी फिल्म कॉन्ग्रेचुलेशन के प्रमोशन में जोर शोर से जुटे हैं। इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए शर्मन जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो में शर्मन के साथ आमिर और आर माधवन भी दिखाई दे रहे हैं। तीनों मिलकर अपने थ्री इडियट्स वाले अंदाज में फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। फैंस को भी स्टार्स का ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा है और इस वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2009 में आई राजकुमार हिरानी की फिल्म थ्री इडियट सुपर हिट रही थी। स्टूडेंट लाइफ, करियर की भागदौड़ और स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर बेस्ड इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म के लीड कैरेक्टर राजू, रंचो और फरहान की तिकड़ी के आज भी फैंस दीवाने हैं। वीडियो पर गौर करें तो थ्री इडियट्स के स्टार्स आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी क्रिकेट की पिच पर है और सभी ने सेम स्पोर्ट्स आउटफिट पहन रखा है। अब इतना सब तामझाम केवल एक फिल्म के प्रमोशन के लिए है या फिर थ्री इडियट्स के बीच फिर से कोई खिचड़ी पक रही है? अब थ्री इडियट्स का सीक्वल आएगा, आएगा भी या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आप थ्री इडियट्स के राजू को फिल्मों में जरूर देख सकते हैं। राजू यानी शर्मन जोशी अपनी फिल्म कॉन्ग्रेचुलेशन में एक बार फिर अनोखे अंदाज में नजर आएंगे। फिल्म में शर्मन एक ऐसे आदमी का रोल कर रहे हैं जो प्रेग्नेंट हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। फिल्म 3 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। आप लोगों का थ्री इडियट्स के सीक्वल के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा।